नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुद्दों को भूनना है ये जेडीयू ने लगातार शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल को लेकर जेडीयू के जितने नेता हैं वो अब जनता के बीच आना शुरू कर दिए हैं। आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मदन सैनी थे, जेडीयू सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी थे और जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल और जेडीयू सांसद जो कि कटिहार से हैं दुलारचंद गोस्वामी थे। इन चारों आदमी ने 2005 से लेकर 2020 तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में किस तरह से अति पिछड़ा जनजाति समाज के लिए काम किया गया है, किस तरह से अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया गया, इन सभी बातों पर जनता के बीच रखा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, पहले सुनिए। नेता और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी इस वक्त उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर नवीन कुमार राजा जी और यहाँ उपस्थित हम लोगों के बीच झंझारपुर से पार्लियामेंट के सदस्य आदरणीय आरपी मंडल जी, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके बीच इसके लिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 वर्षों में जो बिहार के लिए अति पिछड़ों के लिए विकास का काम हुआ उस पर कुछ बात आपके बीच में रखेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2005 में के बाद जब बिहार में सत्ता संभाला तो सबसे पहले उन्होंने बिहार के अति पिछड़ों के विकास के बारे में, सम्मान के बारे में ध्यान दिया और उस पर निर्णय लिया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि पंचायती राज में उन्होंने अति पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण देने का काम किया और वह आरक्षण कोई साधारण आरक्षण नहीं था। वह पंचायती राज का जो आरक्षण था वह आज के दिन में अति पिछड़ों को आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके माध्यम से अति पिछड़ा समाज के लोग जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य के पदों पर आसीन हुए और जो दूसरे के नज़दीक अति पिछड़ा समाज के लोग अपने कामों के लिए जाते थे वह काम स्वयं करने लगे, अपने लोगों के विकास का काम पंचायती राज में पद प्राप्त करके और स्वयं करना शुरू किया। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग अगर मुखिया के यहाँ जाते थे तो उनको नीचे बैठना पड़ता था, नीचे बैठ के अपना फरियाद करते थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझा और उन्होंने स्वयं उनको यह अधिकार दिया कि आप स्वयं कुर्सी पर बैठ करके अपने लोगों का विकास कीजिए। और इस तरह से पंचायती राज में जो आरक्षण मिला उसके बदौलत आज अति पिछड़ा समाज पार्लियामेंट में और विधानसभा में, विधान परिषद में सीट लेने के लिए उत्साहित है और चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें राजनीति में और आगे बढ़ करके देश का सेवा करें। इस तरह से और आगे भी उन्होंने किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि दूसरा काम उन्होंने किया अति पिछड़ा आयोग का गठन। बिहार में सबसे पहला बिहार राज्य है जहां अति पिछड़ा आयोग का गठन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नौकरी में 35% का जो आरक्षण लागू किया है महिलाओं के लिए उसका सीधे फायदा गरीब परिवार के महिलाओं के को भी मिल रहा है, उनके बच्चियों को भी मिल रहा है। इसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है जिसका सीधे लाभ अति हमारे बीच बैठे नवीन आर्या जी जो महासचिव हैं हमारे प्रदेश के और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, प्रेस मीडिया के बंधु,
तथा जितने भी हमारे बिहार से आए हुए अति पिछड़ा वर्ग तथा जो भी वर्ग बड़े वर्ग के जो भी लोग हैं सबों को मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी माननीय मंत्री जी ने आपके बीच रखा है अति पिछड़ों के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना सोच रखते हैं, कितना विचार रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हम लोगों के ऊपर, मैं जीता जागता आपके बीच में उदाहरण हूँ। मैं 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 20% अति पिछड़ा के लिए आरक्षण लागू किया गया था उसमें मैंने मुखिया बना उनके सहयोग से। उसके बाद मैंने 2016 में अपने प्रखंड का प्रमुख बना और प्रमुख से मैं आप लोगों के बीच आज माननीय सांसद बन करके आपके बीच दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। कह रहा हूँ ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि अति पिछड़ों का कल्याण कैसे हो। जैसे कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने 16 में से 5 अति पिछड़ों वर्ग से आए हुए हैं जो माननीय सांसद हैं दिल्ली में, और बहुत सारे अति पिछड़े वर्ग के नौजवान हमारे हर जिला में, कोई SDO हैं, कोई DSP हैं, कोई थानेदार हैं। और जैसा कि आप लोग ने देखे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो किए हैं सारे माननीय सांसद जी ने बता दिए। सात निश्चय आप लोग जानते थे कि हमारे अति पिछड़ों के पानी पीने का कितना तकलीफ था। चापाकल से पानी नहीं मिलती थी, दूर दराज जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। गली में नाला नाली नहीं था, खलाई रोड नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उनके अथक प्रयास से आज 7 निश्चय का सफलता मिला है। वो सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है और अथक प्रयास है जो हम लोग जल जीवन हरियाली 7 निश्चय 7 निश्चय सारे काम को हम लोगों ने 5 वर्षों में किया है। 15 वर्षों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया कि पिछड़ों पद के लिए मैं जानता हूँ। मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे बहन हमारी माताएं घर से नहीं निकलती थी, अति पिछड़ा कहने पर उन लोगों को गर्व नहीं होता था, शर्म महसूस होता था। तो इस तरह के माहौल बनाया था पहले के पिछले सरकार ने, लेकिन जब से हमारी ये सरकार आई माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग अति पिछड़ा है। साथ साथ भाइयों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 वर्गों को बिहार में हमारी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों का विकास, चाहे वो अकलियत समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अत्यंत पिछड़ा समाज हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लिए भी बिहार उदाहरण है कि आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्गों का शैक्षणिक स्तर और बाकी स्तर उठाने के लिए हर स्तर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। लेकिन हम लोग भी पटना आते थे, क्योंकि मित्रों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 1995 में जब हम पहली बार MLA बने थे तो ये जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज है इनके लोग टिकट के दौर में भी राजनीति दल के गेट के बाहर खड़े रहते थे। लेकिन आज इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगर 16 MP है तो उसमें 5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, और यह नीतीश कुमार जी का बदलाव है। चाहे सर्वोच्च सदन हो जो लोकसभा में, उसमें भी एक बड़ी भागीदारी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया गया, विधानसभा के चुनाव में उसमें दिया गया, और माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में आने के बाद निश्चित रूप से आप किसी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, समाज के सभी वर्गों के साथ साथ पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्गों के घर में खुशहाली और उसके घर में एक नई स्फूर्ति है। आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं बिहार नहीं पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र जो UPSC BPSC का एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं उनके लिए सरकार ने BPSC पास करने के बाद 50,000
ताकि आगे फाइनल एग्जाम का तैयारी करें। यूपीएससी निकालने के बाद 1 लाख और एक मुश्त उस स्टूडेंट के अकाउंट में जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम निकाला है, और आज पूरे देश में बिहार उदाहरण है। और ये सोच पहले भी आ सकता था, बाकी लोगों को भी बिहार की जनता ने मौका दिया, लेकिन इस पिछड़ा वर्ग के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा कि पिछड़ा का बेटा यूपीएससी में अगली तैयारी कैसे करे, वो बीपीएससी में कैसे तैयारी करे, अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं में जा कर के और अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करे। लेकिन आज हम लोग को गर्व हो रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं। उद्यमिता योजना के बारे में भी बताएंगे कि आज ये पिछड़ा वर्ग के बच्चे जो इंटर पास। तो आपने सुना साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में किस तरह से अति पिछड़ा समाज का विकास हुआ है, उत्थान हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जेडीयू पार्टी लगातार जाना शुरू कर दिया है, ताकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन सभी कामों पर जनता वोट करे। कैमरामैन गुड्डू के साथ किशोर कुमार झा, लाइव सिटीज पटना।